पे बैन लगा दिया है आतंकवादी गतिविधियों में इस तरह की चीजें आई, तो मोदी जी कब बैन लगा रहे हैं, कब ऐसा करेंगे? देखिए, शिवसेना का सामना का जो अखबार है वो जो है हमेशा एक पोपट मास्टर है, और पोपट मास्टर ने लिखा था कि हम अकेले लड़ेंगे, पोपट मास्टर ने लिखा था कि हम मोदी को हराएंगे, तो पोपट ने गुलाटी मारकर मोदी के साथ चले गए। तो अब हम इन पोपट मास्टरों को उनको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान ये दे रहे हैं कि उनको जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रिवेसी का जजमेंट पढ़ना चाहिए, पढ़ते नहीं है ना ये लोग, उनको 377 सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया, वो पढ़ना चाहिए। अगर वो समझ में आ गया उनको, तो उनको मालूम होगा कि चॉइस क्या कहते हैं, लेटर्स में कह रहा हूँ शिवसेना के लिए, CHOICE, चॉइस अब हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है। आप जीन्स पहने, आप बुरखा पहने, नकाब पहने, घूंघट पहने, आप कुछ ना पहने, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि शिवसेना ने कुलाटी मारकर जो मोदी का हाथ पकड़ लिया, तो पॉलिटिकली उनके पास अब कुछ छुपाने को है ही नहीं, तो इसीलिए ये बकवास कर रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इजाज़त है। रहा सवाल कि दूसरे कंट्रीज़ का, मुझे दूसरे कंट्रीज़ के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वो लॉ है, जो शिवसेना पोपट नहीं समझ सकती। दूसरी बात, मैं इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके इस आर्टिकल को वो इमीडिएटली इसका नोटिस लें, और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन है, MCC का ग्रेव वॉयलेशन है, और ये पूरे मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम खवातीन के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ। तो इलेक्शन कमीशन को फौरन इसका नोटिस लेना चाहिए। थर्डली, ये पेड न्यूज़ में आता है, तो ये तीन चीज़ों का ये ग्रेव वॉयलेशन है। एक तो इनको समझ में नहीं आता कॉन्स्टिट्यूशन, इनको जैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इनको लगता है कि कोई इनके सामने कोई खतरनाक शेर आ चुका है। तो हम इनको समझा रहे हैं कि भैया चॉइस जो है ना, वो अब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, कोई भी किसी कोई भी कपड़ा पहन सकता है। ये वही लोग हैं जो कल तक कह रहे थे कि लेडीज जीन्स नहीं पहनना, आप हमारे मुल्क में हमारे लेडीज घूंघट ही पहनती, वो भी निकाल देंगे क्या? अरे तुम समझो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान एक प्लूरल कंट्री है, और आपका ये हिंदुत्व आप सब पे इम्पोज नहीं कर सकते। सर, ये अपील कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि इस पे एक्शन ले या तो? हाँ बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन अपील करना अलग बात होती है। हम इलेक्शन, देखिए हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका ये जो अखबार का आर्टिकल है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्लियर ब्लेटेंट वॉयलेशन है, ये पेड न्यूज में भी आता है, इसलिए कि जहां पर अभी कंट्री में कोड ऑफ कंडक्ट नाफिद है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के लिहाज से चॉइस एक फंडामेंटल राइट है, आप उसको किसी से छीन नहीं सकते, आप ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू भी है। और ये वही लोग हैं जो कल तक हमारे बच्चियों को जीन्स पहनने पर मारपीट करते थे, अब क्या ये लोग डिसाइड करेंगे कौन क्या कपड़ा पहनेगा, कौन क्या कपड़ा नहीं पहनेगा? कल बोलेंगे नहीं, अब आप जो है दाढ़ी चेहरे पे ठीक नहीं है, टोपी मत पहनिए। अरे ये कहाँ लेकर जाएंगे हिंदुस्तान को? लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी का इशू भी कहा जा रहा है, जैसे श्रीलंका में हुआ है, श्रीलंका में बैन किया गया है, तो यहाँ पर भी इसका हवाला देते हुए सिक्योरिटी का भी इशू है। हाँ, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्या पहनी हुई थी, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित क्या पहने हुए थे, देवेंद्र उपाध्याय क्या पहने हुए थे, अजमेर ब्लास्ट में देवेंद्र गुप्ता क्या पहने हुए थे, वो क्या शेरवानी पहने हुए थे? सर, बिफोर दैट इन इंग्लिश इफ यू कैन हेल्प, इफ यू कैन आंसर द सेम थिंग, सामना सेड दैट इन रावण्स लंका इफ बुर्का कैन बी बैंड, व्हाई इजंट इट हैपनिंग इन राम्स अयोध्या? यू सी, दिस इज इंडिया इज अ कंट्री which celebrates every religion, which also celebrates people who don't believe in religion. It also celebrates Ravan, it also holds Ram in high esteem. This is India. The Shiv Sena are puppet masters. You know, they talk so bold and brave that they will not go with Modi,
but they did a trapeze act. Now may I give them some knowledge, some gyan, because they are very ignorant. So I am to remind them that the Supreme Court judgment on privacy, the Supreme Court judgment on 377 clearly lays down that choice for Shiv Sena, ignorant people, I'm spelling that out for him, C-H-O-I-C, choice is now a fundamental right in the Indian Constitution. You can choose and do whatever you like, that is your autonomy. Unfortunately and deliberately, for all these Hindutva ignorant people, when you talk about constitution, they go completely mad about it because they don't understand the pluralism of our country. Secondly, this article in that newspaper is a grave violation of model code of conduct. I request the Election Commission of India to take immediate note of it, because MCC is still in force and this article is trying to create divisions, this article is trying to create polarization. And thirdly, Shiv Sena knows very well that in the elections which happened in Maharashtra, they are frustrated. They are going to lose huge number of seats. And that is why they are indulging in what I call dog whistle politics. Sir, Sadhvi Pragya has sort of indirectly supported this article. She's exactly said people in the national interest can give up wearing burqa. Well, you see, a BJP candidate who had no hesitation in demeaning a martyr of this country and talk and use such language about Hemant Karkare, I definitely expect this sort of nonsensical statement from her. Because if she can demean Hemant Karkare and if she can demean the martyrs of our great country, so I can expect this. But may I also know what was the dress all these accused were wearing? What was the dress that accused was wearing, was convicted in Ajmer Blast, Devinder Gupta? What was his dress? So the fight against terrorism is not with dress. The fight against terrorism is that you have to fight that mindset. One must come out of this close issue, because if you want to defeat terrorism, you must understand that terrorism has itself become a new religion. It is not the dress, it is the nation coming together and fighting such forces who want to make India either a theocratic country or to indulge in terrorism. That is where, that is the most important point which one must understand. Sir, 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 माहौल तो मोदी के खिलाफ है, माहौल तो बहुत खिलाफ है, इतना खिलाफ है कि बिहार में मोदी नारे लगा रहे थे जय जय के, और नीतीश कुमार बोल रहे नहीं मैं नहीं बोलूंगा, नीतीश कुमार में सन्नाटा जारी हो गया। अब आप लोगों से मेरी शिकायत यह है कि क्या आप नीतीश कुमार को एंटी नेशनल बोलेंगे, क्या बीजेपी के लोग बोलेंगे कि भारत में रहना है तो ये बोलना पड़ेगा? नीतीश को बोलिए ना, ओवैसी को तो रोज बोलते हैं, हमको तो आदत पड़ चुकी है, जब तक हम सुने हमको नींद भी नहीं आती। अब नीतीश कुमार मोदी के डाइस पर बैठे हैं, सब लोग पुकार रहे हैं जय जय, और नीतीश जो है खामोश बैठे हैं। वो ये सोच रहे थे कि वो यही सोच रहे थे होंगे भाई क्या हो रहा है, तो नीतीश से पूछिए। अब ये माहौल है, माहौल खुद डाइस पे बता रहा है, देश का माहौल जो है वो नीतीश कुमार के सन्नाटे से खामोशी से बता रहा है। सर, सर पीएम मोदी घर में है आज, हाँ, तो इस विजिट को क्या वो फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे, कितना फायदा हो सकता है बीजेपी को आपके? अगर उठाएंगे तो फिर वायलेशन है कोड ऑफ कंडक्ट का। He started with saying Purushottam Sri Ram and ended with Jai Sri Ram chants and vowed to protect Aastha today in his speech in Ayodhya. So I would again request the Election Commission, the Prime Minister of India has
has taken a war to protect the Astha. He should have said that as a Prime Minister, I will protect constitutional morality. I will protect Baba Saab Ambedkar's constitution. But when Modi talks about Astha, it is nothing but the Hindutva ideology. This is again a violation of modern code of conduct. The Prime Minister of the country has stooped down to such a level that he has no vikas to show. He has nothing to show as far as employment is concerned. He brought disaster in the name of demonetization. You know, he despite sleeping for only 4.5 hours, Pulwama happened. Now Modi talks about Astha. This again is a clear violation. Had I talked in such a way, had I started my speech by saying Nare Takbir Allahu Akbar, had I said that Islam ke naam porod do, what would have happened? Skies would have fallen by now. Because Modi is so holy nowadays that because he's holy, no one wants to do anything to him. But in the eyes of the people, by using such language, it clearly shows his frustration, and I hope and expect an election commission will take note of it and issue him a notice. And the concerned DM should send that copy of his speech to the election commission. What about election commission giving Modi a clean sheet of his recent Wayanad speech that you are talking about? Well, the Wardha speech, I was more concerned about what he said about terrorism. That one religion cannot indulge in terrorism. He was basically hinting that only this religion has never indulged, other religion has indulged. You know, that should have been taken note of. Unfortunately, that part of his speech was not taken note of, which I felt was a deliberate attempt to create polarization. But the election commission has given a clean chit. Well, that is for election commission to decide. Okay. 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 Okay.